हेलो बच्चों, मैं आरती शर्मा आज सेकेंड स्टैंडर्ड की वीडियो के साथ। तो आज आपकी टॉपिक है लेसन नंबर 4 आपकी पाठ्यपुस्तक से इब्न बतूता। जी हाँ बच्चों, ये इब्न बतूता कविता हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था साथ में, और इसको कविता के भावार्थ भी समझे थे। आज इसी पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी लर्न करेंगे और लिखेंगे भी। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक लेसन नंबर 4 इब्न बतूता, ये कविता हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और इसका भावार्थ भी समझा था। आज हम इसी कविता पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। ये कविता पर ही कहीं लाइन आपकी दी हुई रहेगी, जहाँ से आपकी फिलअप्स भी है, रिक्त स्थान, उसको देखकर पढ़कर पूरा करना है। तो कहाँ से है वो लाइन, जरा देखें। पहन के जूता, किसने पहना था? इब्न बतूता। तो वहाँ से पीछे से लाइन आपको चूज करना है और यहाँ लिखना है, इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। यह है आपकी कविता की पंक्तियाँ पूरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, आपके प्रश्न 3 हैं, सही उत्तर पर सही का टिक लगाएं। क, इब्न बतूता की नाक और कान में क्या घुस गया? पानी, हवा, तिनका। क्या घुसा था? हवा। टिक लगाया। ख नंबर, इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? मोची के पास, जापान में, घर पर। वो कहाँ खड़े रह गए थे? मोची के पास। तो यहाँ पर सही चिन्ह लगाया। ठीक है, ये है आपकी एक एक्टिविटी जैसी, मूल्य परक प्रश्न, जो एक्टिविटी बोल सकते हैं इसको। तेज हवा में क्या क्या उड़ जाएगा, इस पर स्माइलिंग फेस आपको बनाना है। तो देखें हम, क्या है ये? पत्ता। पहले पिक्चर देखेंगे फिर समझेंगे। तो ये हवा में, तेज हवा आएगी तो ये उड़ जाएगा ना, तेज पत्ता, इसमें स्माइलिंग फेस करना है। कागज उड़ जाएगा, यस, तो स्माइलिंग फेस। ये क्या है? पत्थर है ना, भारी है, तो ये तो हवा में उड़ नहीं सकती, तो इसको हम नहीं करेंगे यहाँ पे कुछ। कपड़ा, कपड़े सब उड़ सकते हैं ना हवा में, तो स्माइलिंग फेस। ट्रेन, क्या ट्रेन उड़ सकता है? नहीं, ट्रेन नहीं उड़ेगी, इसलिए इस पर कुछ नहीं करना। ये है रुई, कॉटन, हल्की होती है, तेज हवा में उड़ सकता है, तो इस पर भी स्माइलिंग फेस बना देना है। यहाँ पर है आपके पेज नंबर 31 में भाषा ज्ञान, एक नंबर इसमें देखिए, एक से अनेक बनाओ। दुकान, एक से अनेक मतलब एक हो गया तो दुकान, अगर एक दुकान से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? दुकानें। यहाँ पर बिंदु भी लगानी जरूरी होती है। जूता, एक जूता है तो जूता, अरे से ज़्यादा हो गया तो जूते, मतलब एक वचन बहुवचन, एक से अनेक बनाना है। आँख, आँखें। कपड़ा, कपड़े। आँखें, उच्चारण पर ध्यान देंगे, यहाँ पर बिंदु होगी। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ मतलब उसका अर्थ समान बताता हो, दो शब्द होंगे लेकिन अर्थ क्या होंगे? समान होंगे। तो हवा को हम और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? पवन। इसी को बोलते हैं समान अर्थ, मतलब एक शब्द को उसी दूसरे शब्द में लिखना, लेकिन उनके अर्थ एक ही होने चाहिए। अब ये क्या है? पैर। ये क्या है? पैर। पैर को हम दूसरे शब्द में क्या लिखेंगे? पांव, है ना, पैर को हम दूसरे शब्द में क्या समझते हैं? पांव भी बोलते हैं। थोड़ी, थोड़ी, अब इसको दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं हम? कम। थोड़ी है, कम है, है ना, एक ही अर्थ आ रहा है, शब्द अलग है लेकिन अर्थ, इनके मीनिंग क्या है? एक ही है। घुसना, घुसना अंदर जाना। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे देखिए, पढ़ो और दो दो शब्द और लिखो। ऊ की, कौन सी ऊ है ये? छोटा ऊ, है ना, तो छोटा ऊ से शब्द बनाना है। तो एक घुसना, दुकान, इसमें भी गुब्बारा पर भी छोटा ऊ की मात्रा लगी है, गुलाब,
गुलाब पर भी छोटा ऊ की मात्रा लगी है, तो छोटा ऊ की मात्रा से ये सारे शब्द बनाए। फिर यहाँ पर कौन सा चिन्ह दिया है, बड़ा ऊ, है ना, बड़ा ऊ से तूफान, जूता। फिर हमें बनाना है बड़ा ऊ से, आप चाहे तो अपने इच्छा से भी दूसरे शब्द को भी चूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये अपना कर लिया। सूरज, सूरज, पूरब, पूरब, राइट। ये भी है आपकी एक एक्टिविटी कि एक ड्राइंग शीट पर अपना मनपसंद चित्र बनाएं। बताओ ये क्या करते हैं, कोई भी अपने मनपसंद का चित्र इसमें से आप लेंगे, जूता हो गया या फिर दुकान, कुछ भी अपना मनपसंद चित्र बनाना है ड्राइंग शीट पर। लेकिन सेकेंड नंबर पे है कि बताओ ये क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। चित्रकार, चित्रकार कौन सा काम करता है, चित्र बनाते हैं, ठीक है। कुम्हार, कुम्हार क्या काम करता है, किसको कहते हैं कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कौन होता है कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। बढ़ई, लकड़ी की चीज़ें बनाता हो, बढ़ई कौन होता है, जो लकड़ी की चीज़ें टेबल कुर्सी बनाता हो। किसान, खेती करता हो। डाकिया, पत्र बांटता हो, पत्र बांटने वाला को क्या बोलते हैं, डाकिया। दर्जी, तो आपके कपड़े कौन सिलता है, दर्जी, कपड़े सिलता हो, तो यहाँ पर उसके काम से, उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ बात करने लायक यहाँ पर दिए हुई है आपकी एक्टिविटी द्वारा, आंधी आती है तो क्या होता है, वो मैंने आपके इस लेसन में पहले भी पूछा था, क्या होता है, तेज हवा चलती है धूल के साथ, है ना। कविता को एक कहानी के रूप में सुनाना है, जब आप क्लास स्टार्ट होगी ना तो आप आओगे और इस कविता को, इब्न बतूता कहाँ निकल गए तूफान में, फिर उसके उनके साथ क्या हुआ, हवा घुस गई, जब वो आँख, कान और नाक को मलने लगे तो उनके पैरों से जूता निकल गया और उड़कर वो कहाँ पहुँच गया, जापान। फिर वो खड़े रह गए मोची की दुकान में, इस तरह से आपको कहानी के रूप में कहना है, ठीक है बच्चों। अब इस पर ही आधारित है आपके नोटबुक से क्वेश्चन आंसर, जो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दी हुई है ना, ये लिखित क्वेश्चन, इसको आपके नोटबुक में लिखना है। वो है, पहले हम अपनी नोटबुक कैसे स्टार्ट करते हैं, लिखते कैसे हैं नोटबुक में, पाठ चार इब्न बतूता जब स्टार्ट करते हैं तो पहला क्या होता है, श्रुत लेखन, राइट। पहला तूफान, तूफान श्रुत लेखन में क्या है, पहला तूफान। दूसरा नंबर थोड़ी, था पर ओ की मात्रा, र पर ई की मात्रा, थोड़ी। तीसरा है नाक, नाक। चार नंबर कान, कान। पांच नंबर मलते, मलते। सिक्स नंबर पैरों, पैरों। सात नंबर है आपके जूता, जूता। आठ नंबर जापान, जापान। नौ नंबर मोची। दस नंबर दुकान, दुकान। इस तरह से पढ़ते हुए आपको लिखना है और टू टाइम आपके नोटबुक में एक साइड ये, फिर ये लिखा हुआ है, फिर इधर भी आपके ठीक सामने सामने यहाँ पर लिखोगे, तो ये नोटबुक में आपके नोटबुक के वर्क है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में आपको शब्दार्थ करना है बच्चों, ठीक है। तो एक नंबर पर है तूफान, किसे कहते हैं, जोर की आंधी के साथ बारिश आना, उसे कहते हैं तूफान। सेकेंड नंबर मोची, जूतों की मरम्मत करने वाला, मोची कौन होता है, जूतों की मरम्मत करने वाला को मोची कहते हैं। तीसरा नंबर दुकान, जहां बेचने के लिए चीज़ें रखी जाती है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो नेक्स्ट पेज में पहले श्रुत लेखन, उसके बाद शब्दार्थ आप नेक्स्ट पेज में करेंगे। फिर आएगा क्वेश्चन आंसर, आपके प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर लिखित वाले करने हैं आपको। क, जूता पहनकर कौन निकल पड़े, जूता पहनकर इब्न बतूता निकल पड़े। इब्न बतूता पर ध्यान देना लिखते समय, क्योंकि बहुत बच्चे इबन लिख देते हैं, ब पूरा लिखते हैं, ये आधा ब होगा, इब्न बतूता, इब्न बतूता। ख नंबर, जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुँचा, तो उत्तर है जूता उड़ते उड़ते
जापान जा पहुंचा। कहां के जगह पे आपको आंसर याद करना है? जापान जा पहुंचा। इब्न बतूता नाक और कान क्यों मल रहे थे? क्यों मल रहे थे इब्न बतूता नाक और कान? इब्न बतूता के नाक और कान में हवा घुस गई थी, इसलिए वह नाक और कान मल रहे थे। तो ये थे आज आपके इब्न बतूता पर प्रश्नोत्तर, जो आपके नोटबुक में लिखेंगे। श्रुत लेखन 2 टाइम लिखने हैं, 1 टाइम लिखने हैं शब्दार्थ एक ही बार, और 1 टाइम ही आपके सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर, ये आपके नोटबुक के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस पर आधारित क्या किया? अभ्यास कार्य और नोटबुक के कार्य। ओके, तो ठीक है बच्चों, इब्न बतूता कविता के क्वेश्चन आंसर घर पर बैठे बैठे आप लर्न कीजिए और अच्छे से लिखिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।